गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने साबरकांठा जिले को 3,762.88 लाख रुपये सहित राज्य को 1,014.14 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की भेंट दी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को साबरकांठा जिले की खेड़ ब्रह्मा तहसील के रवि मित्राल गांव के आडेकर्ता इंस्टीट्यूट में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने कहा कि मूल निवासी के रूप में पहचाने जाने वाले आदिवासी सदियों से आध्यात्मिक रूप से प्रकृति के साथ साथ बिरसा मुंडा की भी पूजा करते आए हैं। आदिवासी समाज के भव्य इतिहास और गौरवशाली संस्कृति परंपरा तथा अस्मिता को बनाए रखने के एक भाग के रूप में हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अंबाजी से लेकर उमरगाम तक बसे आदिवासी बंधुओं को पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी प्राथमिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सदैव प्रयासरत रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को आदिवासी विकास के एक विशिष्ट मॉडल के तौर पर स्थापित किया गया। अगस्त का महीना क्रांति का महीना है। मानगढ़ में गोविंद गुरु हो या पाल दड़भाव में मोतीलाल तेजावत, स्वतंत्रता संग्राम के समय आदिवासियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। द्रौपदी मुर्मू के रूप में भारत को पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिली है। प्रधानमंत्री ने आदिम समूहों के 30,000 परिवारों के 1.50 लाख लोगों के विकास के लिए पीएम जनमन अभियान शुरू किया है। भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आवास और सड़क जैसी मनुष्य की मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रयास कर रही है। वन बंधु कल्याण योजना, वन अधिकार अधिनियम, समरस छात्रालय, एकीकृत डेयरी विकास परियोजना और दूध संजीवनी योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में आदिवासी विकास के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। वन बंधु कल्याण फेज 2 के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान और 30,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, नल से जल, जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र, GIDC की स्थापना से नए रोजगार अवसर उपलब्ध होने के कारण जीवन में गुणवत्तापूर्ण सुधार आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत देश के 63,000 गांवों के 5 करोड़ आदिवासियों के 100% विकास का संकल्प लिया गया है। आदिम समूहों को सामाजिक और आर्थिक विकास के जरिए मुख्यधारा में शामिल करने के लिए पीएम जनमन अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र के बच्चे शहरी इलाकों में रहकर शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए शैक्षणिक संस्थान बनाए गए हैं। आदिवासी बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग क्लास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और आदिवासी कोटे की सीटों को पूर्ण रूप से भरने के लिए 360 डिग्री परिवर्तन लाया गया है। इस अवसर पर आदिजाति विकास और शिक्षा मंत्री कुबेर भाई डिंडोर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आदिवासी विकास को गति मिली है। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए कोचिंग की सुविधा मिलने से आज आदिवासी विद्यार्थी कॉलेजों में अध्ययन कर रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर मुख्यमंत्री के कर कमलों से समग्र राज्य में 411.37 करोड़ रुपये के 2240 कार्यों का शिलान्यास और 602.78 करोड़ रुपये के 2053 कार्यों के लोकार्पण सहित कुल 1,014.14 करोड़ रुपये के 4,293 कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीबेन पटेल, हिम्मतनगर के विधायक वीडी झाला, इडर के विधायक करमणलाल बोरा, प्रांतीय के विधायक गजेंद्र सिंह परमार, अपर मुख्य सचिव जेपी गुप्ता, सामरकांठा कलेक्टर नेमेश दवे, रेंज आईजी मनीष सिंह, जिला विकास अधिकारी हर्षद बोरा, जिला पुलिस अधीक्षक विजय पटेल, परियोजना प्रबंधक विशाल सक्सेना सहित जिले के अधिकारी मौजूद थे।